माइक हटा दे। बिग बॉस देखा पर यहाँ पे नहीं देखा। बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत भी मेरा दोस्त है जो चिन चिन चू वाला महंगी फेरा वाला प्रताप भाई तो है ही, फैमिली है। तो ये जो है ना कैफे हॉलिडे, ये जगह बहुत अच्छी लोकेशन है। ऐसा ही होता है मुंबई में कभी कभी, लोकेशन जो है जैसे शिव सागर जू वाला मुझे पसंद था, मैंने उनको बोला था और उनने वहाँ खोला और आज तक चल रहा है। तो ऐसा होता है कि जो लोकेशन कभी, जब तक खाना अच्छा नहीं है चीज़ चलती नहीं है। जगह बहुत ब्यूटीफुल है, अब वो सोशल है वो बहुत चलता है, अब ये भी बहुत चलेगा 100%, क्योंकि प्रशांत आ गया, पीसी हमारा उसे बुलाते हैं प्यार से, तो उसका खाना टू गुड है। भाई हम लोग जो है हमारे घर के बाहर एक इनका खाने का जगह है चिन चिन चू, जहाँ से हम लोग हर हफ्ते खाना खाते हैं। तो सोच लो ये थोड़ा दूर है, ये वर्सोवा और सात बंगला वालों को लॉटरी खुली है, तो आप लोग जिसको मर्जी ऑर्डर करो, इनका प्राइस इज़ राइट, फूड इज़ राइट एंड यमी, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिग बॉस मैंने पूरा देख लिया, बहुत दुख हो रहा है मुझे एजाज के लिए। आपको समझना पड़ेगा हर साल बिग बॉस आजकल एक्सटेंड हो जाता है, तो जो लोग ने कुछ कमिटमेंट की है बाद में वो फंस जाते हैं, तो ऐसे एजाज भाई फंसे हैं। बट ही वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, डूइंग वेरी वेल, अपना सब कुछ दिया उनने और अभी जाना पड़ा। पर डेवो बड़ी स्वीट है, बड़ी मज़ेदार है, वो कुछ जाने नहीं वाली, वो भी मज़ेदार टाइम पास करेगी। अली गोनी जो है वो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, राहुल भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, पर आई थिंक सबको रूबीना को हराना है, उसके पति को भी उसको ही हराना है। हाँ, रूबीना मुझे लगता है सबके आगे और सबको उसको हराना है। अगर वो कोई गलती करेगी तो वो हारेगी, वरना वो जीत चुकी है। कैफ़े हॉलीडे जैसे नाम है, कैफ़े हॉलीडे इट्स ए चिल्ड आउट प्लेस, एंड आप जैसे इंटीरियर देख सकते हो बहुत ही ग्रीक स्टाइल में इंटीरियर किया है और बहुत खूबसूरत जगह है और खाना भी बहुत अच्छा है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खाई अंदर और बहुत टेस्टी है, और ये एरिया को ना इस तरह की एक चिल्ड आउट जोन की ज़रूरत, बहुत ज़रूरत थी। है एक दो जगह और है लेकिन इतनी खूबसूरत जगह कोई नहीं है इस जगह में, और मैं इसी एरिया में पला बढ़ा हुआ हूँ, और हम चाहते हैं इधर का जो क्राउड है वो बहुत चिल्ड आउट क्राउड है, एंड दे लाइक दिस काइंड ऑफ प्लेस, एंड आई एम श्योर दिस प्लेस इज़ गोइंग टू रॉक, एंड दिस इज़ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स रेस्टोरेंट, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज सक्सेस बिकॉज द काइंड ऑफ एनर्जी दिस प्लेस हैज़ गॉट, इट्स ब्यूटिफुल, नो यू फील लाइक दैट यू आर नॉट इन इंडिया, यू आर समवेयर इन ग्रीस, एंड यू नो बिकॉज वाइट एंड ब्लू इज़ वेरी वेरी ग्रीक, सो ऐसा लगता है कि आप सेंटोरिनी में हो या मिकानोज में हो, तो ये बहुत खूबसूरत है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब आप हॉलीडे पे होते हो तो आप हमेशा इंडिया के बाहर हॉलीडे पे जाते हो, तो इसलिए कैफ़े हॉलीडे है, तो आपको लगता है कि आप हॉलीडे कर रहे हो। ऐसे मौके पर सबसे पहले आपकी फेवरेट डिश क्या होती है जब आप ऐसे हॉलीडे में आते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं? मैं जब भी मैं हॉलीडे पे रहता हूँ तो मैं हमेशा इंडियन चीज़ें नहीं खाता हूँ, मैं जो वहाँ की जो लोकल चीज़ है वो खाना पसंद करता हूँ, जो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हम इंडिया में रोज़ मैं इंडिया में इंडियन खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जब भी मैं अब्रॉड होता हूँ तो मैं वहाँ का लोकल डिश पसंद करता हूँ, तो उसी तरीके से यहाँ पर की जो डिश है वो बहुत डिफरेंट है, और मेडिटेरेनियन डिश है यू नो, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये सबको पसंद आएगी यहाँ की चीज़, और हेल्दी भी है। लेकिन यू नो जिस नाम से आप प्रसिद्ध, जिस काम से आप प्रसिद्ध हैं सारी दुनिया में, लोग जानते हैं आप अपने अंदाज में लोगों का हेयर स्टाइल करते हैं,
ऐसा कुछ नहीं है ऐसा किसी का बेसब्री, मैं मुझे अच्छा काम करना अच्छा लगता है और मैं तकरीबन सबके बाल करता हूँ इंडस्ट्री में, भले वो एक्टर हो, क्रिकेटर्स हो, कोई भी फील्ड के हों, मैं सबके कर चुका हूँ और सब कंसिस्टेंट क्लाइंट्स है और मुझे अच्छा लगता है करने सबके बाल, और जो मेरे करीबी दोस्त हैं उनके उनके सिर के ऊपर मुझे एक्सपेरिमेंट करना भी अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे स्टार के बाल करने या टॉम क्रूज के बाल करने या ब्रैड पिट के बाल करने, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो मुझे मौका मिलेगा तो वाई नॉट है, सबका एक ड्रीम होता है। लेकिन मैं जिनका भी कर रहा हूँ, अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप काम करते हो अगर कोई अप्रिशिएट करता है, भले वो सेलिब्रिटी हो या ना हो, आपका काम अगर लोगों को पसंद आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी की चीज़ होती है। तो मुझे वही मज़ा आता है, आपका काम लोगों को पसंद आना चाहिए बस, तो मुझे वो अच्छा लगता है। सब जब विराट आते हैं तो जितने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होते हैं ना, वो मोस्टली स्पोर्टी बाल रखते हैं, तो पसीना आता है हेलमेट के अंदर बाल, तो मोस्टली कंफर्टेबल बाल रखते हैं, तो इसलिए आप मोस्टली देखोगे उनके साइड से पीछे से बाल शॉर्ट होते हैं। वैसे ही फुटबॉलर्स भी होते हैं, जब वो खेलते हैं फील्ड पे तो अपने अगर लंबे बाल रखते हैं तो बाल बांध लेते हैं, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए ज़्यादा, तो वो फील्ड पे हमेशा छोटे बाल रखते हैं। लेकिन जब कोई एडिटोरियल करते हैं या कोई एड्स करते हैं तो अपने बालों को थोड़ा बहुत ट्रेंडी तरीके से रखते हैं, और जब वो IPL खेलते हैं तो IPL उनको पता है कि लंबा IPL होता है, तो उसमें वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी ओल्ड कूल हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे हार्दिक हो गए या कृणाल हो गए या यू नो विराट हो गए, कभी हार्दिक लाइन मारेंगे आईब्रो पे, कभी साइड में बालों में लाइन होती है या बालों का कलर अलग होता है, सब एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने उनको विश कर दिया। आई जस्ट विश देम ऑल द हैप्पीनेस यार, जो भी माँ बाप बनते बहुत खुशी की चीज़ है, और मेरे करीबी दोस्त हैं तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं पर्सनली मैसेज करके विश करता हूँ। जो भी मेरे दोस्त है वो कभी बर्थडे होता है या कोई भी खुशी की चीज़ होती है, मैं पर्सनली मैसेज कर देता हूँ सबको। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। आज भी वाइट ना भाई, बस क्या अब्बास भाई ने मस्तान भाई ने हुसैन भाई मुझे प्रताप सर को विश करना है कि ऑल द बेस्ट एंड बहुत ही कूल जगह लग रहा है मुझे, एंड आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रेट प्लेस टू हैंग आउट। ऑल द बेस्ट टू हिम एंड द एंटायर टीम हु हैज पुट दिस प्लेस अप। यार कोई कंट्रोल ही नहीं होता जब यहाँ पर आते, तो पूरी तरह हम लोग घुस जाते खाने में, कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते। 2021 का इंतजार हर किसी को था, अब आप बताइए कि आपके
बस ये सभी फिल्म स्टार्ट हो गई, सो 2021 अच्छा लग रहा है एंड होपफुली सबके लिए अच्छा होगा। वैक्सीनेशन भी आ रहा है, आई थिंक अच्छा एक पॉजिटिव ईयर शुरू हुआ है एंड आई थिंक कैफेज भी खुल रहे तो अच्छा ही होगा यार। थैंक यू। ऊपर Thank you.
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी जी बिल्कुल, अभी तो गाइडलाइंस भी काफ़ी चेंज हुए हैं, सो अभी तो आई थिंक मास्क आप आई थिंक प्राइवेट गाड़ी में ना पहने तो चलेगा. सो आई थिंक व्हेन इट कम मतलब अभी कैफे के लिए मैं आई एम वेरी हैप्पी फॉर प्रताप सरनायक और उन्होंने ये नया कैफ़े खोला है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड मैं अभी अंदर जाके अभी देखूँगी. आई एम श्योर बाहर से तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग, मतलब मैं बहुत दिनों के बाद अपने दोस्तों से भी मिलूँगी. सो या अभी थोड़ा सा ईजी हो रहा है, अभी ईज आउट हो रही है काफ़ी चीज़ें एंड या बट प्लीज़ फॉलो द प्रोटोकॉल, जितना ज़रूरी है उतना करना चाहिए. सो या आई होप अभी वैक्सीन भी आ गई है तो वो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है. क्या कितने? अरे बाप रे, मुझे तो मैं तो हर जगह पे जा रही हूँ और मैं काफ़ी ट्रैवलिंग भी कर रही हूँ तो मुझे तो काफ़ी लोगों ने बोला है कि तुम्हारा वेट काफ़ी लूज़ हुआ है. सो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे हैं, मतलब वो थोड़े से उन्होंने वेट गेन किया है घर में रह के, लेकिन आई थिंक मुझे उल्टा रिस्पॉन्स मिला है. मुझे बोला है कि आपने काफ़ी लूज़ किया है तो प्लीज़ मैं अंदर जाके अभी जाऊँगी अंदर और मैं कुछ फूड भी टेस्टिंग करूँगी तो आई एम श्योर के फूड और ड्रिंक्स अभी मैं मतलब आई एम श्योर अभी कुछ खाने को मिलेगा. अच्छा थैंक यू. आई आई देखिए, दुनिया में हर शोर के बाद सन्नाटा अच्छा लगता है और हर अंधेरे के बाद उजाला अच्छा लगता है. अभी कुछ मुंबई की जगमग थोड़ी शुरू हुई है लॉकडाउन के बाद, तो उसी में ये एक पहला ऐसा इवेंट है जिसमें हम आए. प्रताप सरनायक जी ने बहुत ही प्रेम से आमंत्रण दिया, उनके हम कई शो कर चुके हैं कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट. उन्होंने कहा कि आपके स्टूडियो के बाजू में ही हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट शुरू किया है, आप आइए ज़रूर. तो हम आज आए, बहुत ही प्यारा लगा, उनको शुभकामनाएँ दी और हमारी बहुत बहुत उनको बधाई है, अभिनंदन है. और सभी मुंबईकर्स हमारे जितने भी हैं आप सबको मैं जानकारी देता हूं कि अभी हम लोग एक शो लेकर आ रहे हैं इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग, जिसमें मैं एक टीम का कैप्टन हूं, 6 टीमें हैं जिनका कंपटीशन होगा. तो ऐ मेरे महाराष्ट्र वासियों, ऐ मेरे मुंबईकर्स, ऐ मेरे भारत वासियों, मुंबई वॉरियर्स जिसके हम कैप्टन हैं, आप ज़रा ध्यान रखिए, आपकी वोटिंग्स जिताएंगी. और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ वोटिंग्स देना, सिर्फ देखना कौन क्या कर रहा है. 8-9 साल के बाद फिर से हम टीवी करेंगे. मजा कीजिए, नमस्कार. आएगा ना, ये शर्मा जरूर आ जा.
अरे तुम लोग दोनों दो ये जो है ये हमारे बड़े भाई हैं और इनको हम क्या विश कर सकते हैं, जो विश होती है ये हमको देते हैं, इनकी ब्लेसिंग जो है ये हमारे लिए है, मेरे और शर्मन के लिए, इनको मैं इनके लिए खाली बेस्ट ऑफ लक बोल सकता हूँ कैफे हॉलिडे के लिए। लाइकवाइज सेम थिंग, प्रताप जी ने ये वेंचर किया हुआ है, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वंडरफुल और एक बहुत ही प्यारी रेस्टोरेंट होने वाली है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जावेद भाई हाउ आर यू सर? अरे हाउ आर यू, गुड टू सी यू जी। भी आ जा रहा इधर ही। मैं तो ये विश करूंगा खाना अच्छा हो ताकि हम खूब खाएं यहाँ पे आके। और क्या विश करेंगे, खाने की जगह है, खाने की विश करेंगे। बार बार और बड़े प्यारे, बड़े प्यारे इंसान है तो प्यार के लिए आते हैं खाने के लिए। नहीं मेबाग मेरे लिए बहुत फूडी हो जाता हूँ और लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द फूड इनसाइड। आई एम अ मेजर फूडी सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड।